यूपी में शुरू हुई जोड़ तोड़ की लड़ाई, गर्मी के मौसम में सियासी पराहाई। ओवैसी को अखिलेश यादव का झटका, मायावती की राजनीति को फटका। ओवैसी की नेता अब साइकिल पर सवार, मायावती भी रणनीति से बेकरार। अखिलेश का दांव कर जाएगा काम, गलती नहीं होगी मिलेगा इनाम। अब की बार लगता है अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में हैं। निकाय चुनाव से ही अखिलेश यादव का दांव धीरे धीरे ही सही लेकिन परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और बसपा को तो परेशान कर ही रखा था, अब ओवैसी की दाल भी गले नहीं दे रहे, क्योंकि अखिलेश नहीं चाहते कि किसी दूसरी पार्टी का दखल बीजेपी को हराने में हो, बल्कि अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। लेकिन इस बीच ओवैसी से बैर भी हो गई। ओवैसी ने नहीं सोचा था कि अखिलेश यादव उनके साथ ऐसा करेंगे। विधानसभा के चुनाव में अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए ओवैसी ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन अखिलेश यादव ने ओवैसी को भाव नहीं दिया। ऐसे में एक बार फिर से जब नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो ओवैसी को अखिलेश यादव ने तो बड़ा झटका दे ही दिया, क्योंकि किसी भी कीमत पर ओवैसी को टिकट नहीं देना, ये लगता है सपा की रणनीति का हिस्सा हो गया, क्योंकि ओवैसी पर आरोप लगते ही रहे हैं कि वो बीजेपी के साथी हैं लेकिन अंदर खाने। ऐसे में रणनीति के मिसाल पेश होते ही पूरी की पूरी कहानी अखिलेश यादव के फेवर में हो गई, क्योंकि माजरा ही कुछ ऐसा है। ओवैसी को नहीं पता था कि वो जिस तैयारी के लिए मंथन कर रहे हैं चुनाव से पहले ही उस तैयारी पर सेंध लगने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसा ही कुछ किया जो किसी को हजम नहीं होगा, खास तौर पर ओवैसी को तो बिल्कुल नहीं। फिर ओवैसी को चिड़ तो होनी ही थी, बात नगर निगम चुनाव की है, फिरोजाबाद से जुड़ी है, जहां अखिलेश यादव ने ओवैसी की खींची रेखा को क्रॉस किया और बड़ा झटका दे मारा। शायद इसीलिए ओवैसी का भी पारा हाई है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अखिलेश यादव ऐसा कुछ कर जाएंगे। बसपा बीजेपी तो ठीक थी, लेकिन ओवैसी का गेम भी अखिलेश ही खत्म करेंगे। इसकी शुरुआत हुई जब अखिलेश ने मेयर के लिए लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा था जिसकी चर्चा तेज हो गई, काजल निषाद, जो गोरखपुर से लड़ेंगी। लेकिन इस बीच एक और नाम सामने आया जिसने ओवैसी को हिलाकर रख दिया। ओवैसी भी अब गुस्से से लाल हो गए कि अखिलेश यादव ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ओवैसी सोच रहे होंगे, हम तो साथ मिलने को तैयार हैं, लेकिन ना ही अखिलेश भाव दे रहे हैं और ना ही साथ दे रहे हैं, लेकिन अब ये झटका हमें बर्दाश्त नहीं कि अखिलेश यादव ऐसा करेंगे, वो भी नगरीय निकाय चुनाव में। फिरोजाबाद के लिए सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और मशरूर फातिमा को अपना उम्मीदवार बनाया। जहां 2017 में फातिमा ओवैसी की पार्टी में थी, तो वहीं उनके पति बसपा की राजनीति करते हैं। मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश है, मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में डालने के लिए रणनीति को धार दे दी है। मशरूर फातिमा 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। फिर 2017 के नगरीय निकाय चुनाव में फिर से ओवैसी की पार्टी AIMIM से लड़ी, लेकिन दूसरे नंबर पर रही। अब फिर से मौका था तो अखिलेश यादव ने मौका नहीं गवाया और ओवैसी की प्रत्याशी को अपने पाले में डाल दिया। अब अखिलेश यादव के जाव से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो मायावती और ओवैसी को लगा है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति यूपी में हो सकती है। ऐसे में भला अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे, अब देखना होगा कि आगे इस सीट पर कैसी लड़ाई होती है या माजरा कहां जाकर टिकता है।